जनता का आईना में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ है, उसके परिणाम मुंबई के झोपड़पट्टियों में, बस्तियों में क्या परिणाम हो रहा है, उस पर हम बात करने वाले हैं। सरकार ने लॉकडाउन तो अचानक कर दिया, अब लॉकडाउन करने की वजह से सारे के सारे लोग जो है घर में मौजूद हैं, क्योंकि उनके पास काम नहीं है और वो घर से बाहर नहीं जा सकते। आप देखेंगे झोपड़पट्टी में 8x10 का, 8x8 का घर है, वहाँ पर 6-6 लोग, 7-7 लोग रहते हैं। उस घर में जब काम का दिन होता है तो पुरुष और महिलाएं भी काम पर निकल जाती हैं और बस्ती पूरी खाली हो जाती है और बस्ती में इतनी गर्दी नहीं दिखाई देती है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये कहा गया कि लोगों को दूरी बनाए रखना है, लोगों को सोशल कॉन्टैक्ट में नहीं आना है, इसलिए लोगों ने घर में रहना चाहिए। ये घर में रहने की परिकल्पना जो है, जो बिल्डिंग में रहते हैं, जो फ्लैट में रहते हैं, जो महलों में रहते हैं, वो अपने घर में बंद होकर रह सकते हैं, उसका कोरोना का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बम्बई में जो 40-50% आबादी जो है वो झोपड़पट्टी में रहती है, और वो आबादी जब लॉकडाउन होता है तो वो आबादी का क्या हाल होता है, वो घर में नहीं रह सकते हैं। जब घर में नहीं रह सकते हैं, बाहर निकलो तो पुलिस डंडे बरसा रही है, इस तरह की हालत हो गई है। अब 6-7 आदमी हैं, औरतें हैं, तो पुरुष अधिकतर जो है वो अपनी गलियों में रहते हैं, और गलियों में इतनी गर्दी हो गई है, इतना कंजेशन हो गया है कि सोशल डिस्टेंस का कोई मामला ही नहीं है। और यहाँ पर अगर कोरोना का कोई भी व्यक्ति ग्रस्त हो गया तो वो पूरा बस्ती जो है, बड़ी बड़ी बस्ती है मुंबई की जो है, वो पूरा कोरोना ग्रस्त बना सकती है। मैंने खुद वडाला की कई बस्तियों का निरीक्षण किया और मैंने पाया कि हर एक गली में सैकड़ों लोग जो है गलियों में जा रहे हैं या बैठे हुए हैं, और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई कहीं जाने का रास्ता नहीं है, ना उनको चलने का रास्ता है, और ऐसे हालत में उनको वहां पर बिठा दिया गया है। और सरकार के नाम पर सिर्फ पुलिस है, और वो पुलिस जो है वो डंडा बरसा रही है। सरकार के नाम पर ना तो वहां पर कोई उनकी बात सुनने वाला है, सरकार के नाम पर न तो वहाँ पर कोई उनका निरीक्षण करने वाला है, सरकार के नाम पर न कोई उनका हेल्थ क्लिनिक है, न सरकार के नाम पर उनका कोई कोरोना का या कोई दूसरा चेकअप करने वाला है। बस्तियों को में कोई असली स्थिति जो क्या है वो भी बताने वाला नहीं है। सरकार ने तो अपने पूरे कर्मचारियों को छुट्टी दे दी, सिर्फ 5% कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अपने कर्मचारियों को बस्तियों में नहीं भेजा, लोगों के बीच में नहीं भेजा, लोगों के बीच में लोगों से मदद नहीं ली, लोगों के बीच में सरकार ने अपने साथ लोगों को शामिल नहीं किया, और इस तरह से आज हालत है कि कोरोना का विस्तार बहुत बुरी तरह से हो सकता है और सरकार में किसी भी तरह की कोई समझ नहीं है। हर बस्ती में बहुत सारे डॉक्टर होते हैं जो छोटे छोटे क्लिनिक चलाते हैं। अगर सरकार ने इन डॉक्टरों को PPE किट दिए होते, थोड़ी सी मदद दी होती, तो थोड़ा सा उनको प्रोत्साहन दिया होता, तो सारे के सारे स्क्रीनिंग जो है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग जो है, बस्ती में ही हो जाती थी। वो डॉक्टर ये पता लगाता कि उनका टेम्परेचर क्या है, उनके सिम्टम क्या है, उसका डाटा बनाता और डाटा सरकार को दे सकता था, और उस तरह से लोगों को सेग्रीगेट किया जा सकता था, और प्रिलिमिनरी जो है इन्वेस्टिगेशन हर एक व्यक्ति की हो सकती थी। लेकिन सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार ने टेस्टिंग किट देनी चाहिए थी कि जो गंभीर मामले दिखते हैं प्राइमा फेसी, उसका स्क्रीनिंग हो सकता था। लेकिन सरकार ने वहाँ पर लोगों से मदद ली होती, लेकिन सरकार ने वहाँ पर कुछ नहीं किया, और जो डॉक्टर भी वहाँ पर थे वो घबरा गए हैं कि पेशेंट कैसे आ रहे हैं और हमारे पास कोई किट नहीं है, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, हम कैसे उनको ट्रीट करें। और तो जो नॉर्मल ट्रीटमेंट भी देने का था वो डॉक्टरों ने बंद कर दिया, और डॉक्टर वहाँ पर नहीं है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये डॉक्टर जो है आज बहुत ज़रूरी है, जो पूरी बस्ती को जानते हैं, उनको जवाबदारी अगर देते तो बहुत सारा काम हो सकता था और कोरोना से रोकथाम हो सकती थी। अगर हर बस्ती को टारगेट किया जाता और हर बस्ती में लोगों की मदद से अगर सर्वे किया जाता, अगर निरीक्षण किया जाता, तो बहुत सारे मामले वहाँ पर सुलझ सकते थे। सरकार को हर बस्तियों में
ना उनका ज्यादा निरीक्षण करें उनका कौन सा कार्ड है कौन सा नहीं है। अगर सरकार 15-15 दिन का राशन हर घर में पहुंचा दे, बस्ती के लोगों की मदद लेकर ही, वहाँ के लोकल पॉलिटिशियनों की मदद लेकर ही, लोकल सरकारी अधिकारियों की मदद लेकर ही अगर राशन हर हर घर में पहुँचा दे तो बहुत बड़ी राहत जो है वो सरकार को मिल सकती है। हर एक बस्ती में छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं, वो इंडस्ट्रीज़ को सरकार ने जाकर मदद करे, उनकी उनके जो कामगारों की लिस्टिंग करे और उन्हें मदद पहुंचाए तो भी बड़ी मदद हो सकती थी। बस्ती के अंदर सभी के परिवार नहीं रहते हैं, बहुत सारे मजदूर जो हैं छोटे छोटे इंडस्ट्री में, गारमेंट इंडस्ट्री, पीयूपी इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्री में काम करते थे, वो अलग अलग इंडस्ट्री में काम करते हैं। ये मजदूर जो हैं उनको खाने के लिए वो लोकल वही बस्ती में जो बिस्सी बोलते हैं या छोटा सा होटल बोलते हैं उसी में लोग खाते थे। सरकार ने अभी ये लॉकडाउन की वजह से सारे बिस्सी बंद हो गए हैं, क्योंकि बिस्सी में लोगों के पास पैसा नहीं है बिस्सी में खाने के लिए, और बिस्सी वाला पैसे के बगैर खिला नहीं सकता है। सरकार जो है ये बिस्सी वालों को अनाज मुहैया कराती, उनको प्रोत्साहन देती, तो ये जो मजदूर आज भूखे मर रहे हैं उनको खाना मिल जाता था। तो ये भी सरकार की सोच नहीं है। सरकार किसी भी तरह से जनता को इन्वॉल्व करके जनता के बीच में जाकर काम करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, सारी जनता को घरों में बंद कर दिया, और सरकार को तो कम से कम सड़क पे उतर के काम करना चाहिए था, लेकिन सरकार भी गायब हो गई और सिर्फ 5% कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? सरकार को तो पूरी सरकार को जमीन पर उतरना चाहिए था, और सरकार को जनता में से भी अपनी मदद के लिए लोगों को लेना चाहिए था और दोनों मिलकर काम करना चाहिए था, लेकिन दोनों मिलकर बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। हर एक बस्ती में सरकार यानी सिर्फ पुलिस, और पुलिस यानी पुलिस का डंडा, सिर्फ एक ही काम रह गया है कि लोगों को किसी भी तरह से बस्तियों में से खदेड़े और घर में भेजे, बस यही काम पुलिस का रह गया है। क्या सरकार के दूसरे महकमे, क्या सरकार के दूसरे लोग आकर बस्ती में लोगों से बातचीत नहीं कर सकते थे, उनसे डायलॉग नहीं कर सकते थे, उनकी समस्याओं को सुन नहीं सकते थे और उस तरह से व्यवस्था नहीं की जा सकती थी? लेकिन ऐसा कुछ भी करने की जो है मनस्थिति में सरकार नहीं है। इसके अलावा अगर किसी भी बस्तियों में इतने ज़्यादा लोग ठूस ठूस के भरे हुए हैं जिसे ये बस्तियों में से आप बाहर भी निकलने नहीं दे रहे हैं, वहीं पर रखना चाहते हैं, तो सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा कि इस तरह से तो कोरोना की रोकथाम नहीं हो सकती है, इस तरह से तो हम लोगों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो हमें ऐसे बहुत सारे जो सरकारी स्कूल हैं जो खाली पड़े हुए हैं, कॉलेज हैं खाली पड़े हुए हैं, कम्युनिटी सेंटर खाली पड़े हुए हैं, ऑफिसेस खाली पड़े हुए हैं, वहाँ पर टेम्पररी लोगों के रहने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो फिजिकली एक दूसरे से अलग हो सकें। तो वहाँ पर उन्हें प्रॉपरली खाना मुहैया करा सके, वहाँ पर उनका रिहेबिलिटेशन हो सके, ये सब सोचने की ज़रूरत है। तो आज तो ये बोला जा रहा है कि मोदी ने इतने रुपए रिलीज़ किए, फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे जो हमारे सीएम हैं रोज सोशल मीडिया पे आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ज़मीन पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अगर जो कुछ लोग हैं जो फ्लैट में रहते हैं और वो अपने घर में सारी सुविधाएं हैं, उनके पास पूरा महीने भर का अनाज पड़ा हुआ है और उनके लिए कैसे हम अपने मोटे नहीं हो जाए, अपने फिटनेस को ध्यान दें, उतना ही अगर उनके लिए है और उतने लोगों के लिए सरकार है और वो सोचते हैं कि हाँ पुलिस को तो रोकना ही चाहिए, पुलिस ने डंडे बरसाने ही चाहिए, हमको कोरोना से मुक्ति देना है, तो वो इस भारत देश को और ये मुंबई नगरी में असली कौन लोग रहते हैं उनको वो जानते नहीं है। क्या ये सरकार जानती नहीं है? क्या शिवसेना की शाखाएं हर बस्ती में नहीं है? क्या शिवसेना को जानकारी नहीं है, कांग्रेस को जानकारी नहीं है कि असल में क्या परिस्थिति है, किन लोगों से हम वोट लेते हैं, उनकी परिस्थिति क्या है? ये सब सरकार को भी मालूम है, ये पॉलिटिशियन को भी मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन उनको सिर्फ कैमरे को दिखाना है, कुछ लोगों को दिखाना है और मीडिया में छाना है, लेकिन असल में ये लोग ऐसे बस्ती के लोगों की गिनती ही नहीं करते हैं। लेकिन ये खतरे की घंटी है, अगर सरकार ने अभी भी चेती नहीं और उन्होंने अपनी नीतियों में और अपनी पॉलिसियों में बदलाव नहीं किया और वो गरीब से गरीब आदमी की तरफ उन्होंने नहीं देखा, तो ये खतरनाक रोग जो है बहुत ही खतरनाक हो सकता है इस देश के लिए और इस मुंबई नगरी के लिए। धन्यवाद।